प्यारे साथियों, परम पूज्य गुरुदेव श्री माधवराम के चरणों में नमन करते हुए आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग हमारे विरह को मान सम्मान देंगे। और यहीं से अवधि विरह हम शुरू कर रहे हैं। आलखंड से बूंदीगढ़ की लड़ाई, लाखन और पद्मावत का ब्याह, हमारा परिचय। हम वंशराज पाल, ग्राम महमूदपुर जंगलिया के रहने वाले, पोस्ट पारस पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। और मोबाइल नंबर लें 88082 08 37। यही हमारा मोबाइल नंबर है। अब आप लोगों की सेवा में मनोरंजन के लिए विरह हम गा रहे हैं, अपना समझ के माफ करना। तैतीस कोट के देवता जागा, तैतीस कोट के देवता जागा, शारद दहिनी भुजा पे लागा, चौरा तू मैहर के त्यागा। आज महफिल में बजावा तू सितार, ए भैया तू सिंह बाहिनी दुर्गा देवी बजे सभा में सीता, सिंह बाहिनी दुर्गा देवी बजे सभा में सीता, रोम रोम झनकार करायो कलम हाथ में सही, दिहु ज्ञान तू कालिदास का महाकवि कह सन, बाल में के जी भी अब बैठू महापुराण को रचे, माधो राम के कलम पे शारद बैठ करा तू किल, हाल कही हम गढ़ बूंदी के काम साह जहां सर, जे कह बिटिया पद्मावती हैं काम देव भय यशवा, काम साह मंत्री से बोले अब ना कीजे आबा, ब्याहन जोगे भाई पद्मावती करा तिलकिया तई, नाऊ ब्राह्मण का भेजायो घूमे दुनिया मा, लिखा शर्त कागज के ऊपर बंगाल एक समाचा, लड़के जीते जे बूंदी गढ़ करे दुआरे, करे भंवरिया पद्मावत के बूंदी गढ़ के मां, नाऊ ब्राह्मण टीका लेके भय बंगले से तैया, पहुँचे गढ़ दिल्ली में जहवा पृथ्वीराज हैं सरदा, दिए पत्रिका पृथ्वीराज का तुरत केहन वोइन, जादूगर आई है बंगले में लड़के ना पऊ, एक दुलहनी के कारण लाखों जीवन जय है माँ, टीका फेर देहे दिल्ली पतियाग एक सुना समाचा, नाऊ ब्राह्मण गए कनौज में जय चंद्रा के दर, लागी सभा जय चंद्र क बैठे सूर कसे सब हथियारा, नाऊ ब्राह्मण पद्मावती के नाम के टीका लेके घूमत हैं, लेकिन जे राजधानी में जात हैं तो पत्र में एक शर्त बा, हटावा ना गन्हाए, उ गन्हाए वाली शर्त ना ने बाबू, पत्र में शर्त लिखा बा, जे बूंदीगढ़ देश जीत ले वही पद्मावती के भावर कराए और सिंदूर दान कराए, लेकिन वह टीका सारी दुनिया से वापस हो गया, लेकिन अंतिम वह कनौज में पहुंचा बा राजा जयचंद्र की राजधानी मा, अब देखें वहां का हो तो लटका में। अरे टीका दिल्ली पत लौटाए, नाऊ ब्राह्मण कनौज आए, जहां जय चंद्र लगाए कचहरिया ना, हाथ जोड़ श्री नावा पाती राजक पास पठावा, पढ़ के राजा सिर झुकावा भय फिकरिया ना, पढ़ के जय
चल गए तेराई टीका तुरंत है लौटाई उदल पूछे दया बताई तुली खबरिया बाबैया चंदू दल से बतलाए टीका काम साम जो आए ब्याह बेटी के रचाए बल करिया होए जग में जे बलिवान जीते बूंदी गढ़ मैदान बाटे जादूगर के काम है नगरिया माँ जो ले चढ़वाई बूंदी गढ़ में होए लड़ाई सबका कैद ले करवाई जादूगरिया माँ हेरे पौड़ा नाठे कान आटे बूंदी गढ़ मैदान रोई है महाबली मलखान वे समहरिया माँ दुनिया माया उतार रोके उदल के कटार बल करिया तो सिरसा के मलखान रोएंगे बूंदी गढ़ के ज्वाल जादू देगी नहीं काम वे समरिया माँ यही किसिम बतलाए टीका लौटा के चढ़वाए विदाई ना उबरा बढ़ पाए है मोहरिया ना ए भैया तिलक तो उदल चढ़वाए लेहन जबरजस्ती चढ़वाए लेहन लेकिन देखा के पे अपने मौसी के बेटवा लाखन पे लेकिन आगे बिरहा में देखें चढ़ी गए लाखन पे तिलकिया उदल सा जाता है बरतिया गाई काम साह के बिटिया के खबरिया ना पद्मावती की तैयारी सज के महलों में सिकुमारी घूमे चली फूलवारी सब गुजरिया ना संघ में लेके सखी सहेली पहुंची बगिया में अलबेली सखिए कहें कि आवा खेली अब खेलरिया ना बोली सखियन से सुकुमार डोली ले जेंगे हमार कब संवरिया ना सखिए कहे पकड़ के बहिया मुड़वा पीता नाही गुइया डोली चढ़ के जाबू सैया की दुवरिया ना खबर जे घरी पई है टीका जब रनवे चढ़वाई है बूंदी गढ़ में चमके उदल के कटरिया ना एक बाट ये मर कटार बेदुल घोड़ा के असवार उदल कई डरी है कई कार लस करिया ना भैया जेकर भाई है मलखान शारद देह है बरदान जेक बजर के समान बासरिया ना बजर के समान बासरिया पद
पद्मावती कहे मुस्काई काऊ दल के किहू बड़ाई नाचे बन के जवन लुगाई ससुररिया माँ ससुररिया माँ ससुररिया माँ नाचे बन के कहें समझ के बोला उदल बदल के है चोला रोई के शिव शंकर जी भोला वह समरिया माँ रानी लेकर के अंगड़ाई गुइया तुहसे काऊ बताई लखते गईली पथराई मुर नजरिया ना पद्मावती हाँ। सखियन से कहत यहाँ सखी हाँ। जेके तू इतना बखान करती यहाँ वो नहीं के तो रास्ता हमहू लखत है हाँ। लेकिन कब यही है हाँ। ई लखत लखत हाँ पाथर होई पाथर होई गे हाँ। और कब तलक के नैहरे में बीते हैं सखी हाँ। इतना दिन से इंतजार करते ही जोड़ा समोरी सखी सहेलर यहू सबके तू ब्याह गौन होगा हाँ। लेकिन हमार कब होए हाँ। यही सोच में फुलवारी में पद्मावती सखीन के सामने कहत यहाँ कहरवा धुन में बा हाँ। अरे हे हमारी सजनी हाय तो हे हमारी सजनी अरे कैसे बीते जिंदगानिया हमारी सजनी टीका घूम दुनिया अंदर क्यों टीका नाए चढ़वा अरे दिल्ली पतिवा पृथ्वी राज मोर तिलक यहाँ लौटाए जेकरे बल से कांपे दुनिया हमार सजनी भावर करने को बंगले में क्यों न हमें देखा बूंदीगढ़ के नाम से हील अरे बड़े बड़े के दांत फिर गे दुनिया से लगानिया हमारी सजनी कौनो चीज में अरसा होत है हाँ। तो लोग यही सोचा थे कि अब ना होए हाँ। पद्मावती बहुत निराश ही और कहत यहाँ हाँ। लक्षण ऐसे जान पर तो बाउमर भे रहब कुमारी जनो विधाता कर्म में हमारे अरे लिखन नाय ससुरारी बीते नैहर में जवानियां हमारी सजनी
दिवारी में यह सब बात करते हुए बहुत टाइम लग गए। एक सखी महल से आवती बा सबको जान ले बा कि घर पे का हुआ। हाँ। हाँ। का भवा जोने बड़े रोवत यहाँ वो तो हो ही गया। हाँ। आई के सारी बात सही सही बतावत बा। एक सखी तब आए समझ के पद्मावती से बोली, तिलक चढ़ाई गई कनौज में, अरे चढ़ी के जा बुडोली हो बुला खन के, हो बुला खन के दुल्हनिया हमारे सजनी। हो बुला खन के दुल्हनिया कहे सखी समझाए, हो बुला खन के दुल्हनिया कहे सखी समझाए, मोहबा के राना उदलवे लेहन तिलक चढ़वाए, उन्हीं देवला नंदन यही भावरी ले कराए। आज मैं फिल्में बजावा तू सितार, नाउ ब्राह्मण वापस लौट के आए और काम साथ से सारी बात बतावता है, लेकिन आगे होत का बा। नाउ ब्राह्मण लौट के आए काम साह से हाल बताए, टीका कनौज पति चढ़वा, वीर जय चंद जहाँ के राजा, भैया औ वीर महा जय चंद के सुनिए जवन तिलकिया चढ़वा, पहले तो इनकार कहन फिर उदल टीका चढ़वा, उदल कहन कि लैला टीका जो होए देखा जाए, मूड काट ले बे दुश्मन के नदी खून के बही, तिलक चढ़ाई दीन नाखन पे नेग मिला घर, तिलक चढ़ाई दीन लाखन पे नेग मिला घर का, इतने सुनते काम साह के दोनों नैना, दोनों नैना फहराए वो जरी के भयंकर, कहाँ कऊ दल कहाँ क लाखन गर्दन ले बो, कब से तलवारी हा भय उदल जवन देहन लल, बूंदी गढ़ का जानत बाटे सारा सकल जहान, इतनी बात यही पे छोड़ा आगे कै समा। उदल पहुँचे मलखा के लग बोले बात संहारे सुना, उदल तिलक चढ़वाए लेकिन लेकिन पहला नेवता लेके बड़के भैया वीर मलखान के पास पहुंचा तहन गढ़ सिरसा में, हाथ जोड़ के कहा तहन, योधा सिरसा के मलखान, अरे भैया सुना लगा है कान, हारे लाखन का जबान चला ललकारी, काम साह भिजवाए टीका लाखन पे चढ़वाए, बोला हम बड़ा सजवाई चला बलकारी, मलखा कहे गजब कैटा टीका तू जब रंग चढ़वाया, नाउ महोबा के मिटाया गई माती नारी, गढ़ जो जा ब्या जिंदा लवट के नाही, यो ब्या भेड़ी भेड़ा बन के रो ब्या रोए महातारी, चाहा कुशलत जिद्दी हटावा टीका बूंदी गढ़ लौटावा, चल के लाखन का समझावा वो मिले ना नारी, हाँ
तनी बात जब मलखान कहन तू दल हाथ जोड़ के कहा तहन भैया हम तिलक चढ़वा लेन और यही जबान फिर से वापस न करब बाबा यही जबान से हाँ कीन और यही जबान से कैसे ना ही करी तो एक बात है सुना कहा भाई जहाँ कहा लाखन लाखों फौज सजाए के तोहरे साथे तैयार रहन आज उनकी बियाहे में इनकार करते हा तेका जान ला फिर से उनसे ना कही सकते हा नहीं भाई लेकिन हमार कहना बा कहो उदल कहे जोड़ी के हाथ अरे काटा ना कनौज के ना किए से भले काटिला माथ खींचा तलवारी बाटे जीवन के अधिकार सिरवा भागे देख बिलार जैसे मूसावा बिलरिया को फटकारी लेत्या बनिया घरिया तार करत्या घूमि घूमि रोजगार दई के जानम बदे नाम भाई महातारी धुआ कनका के लजवाया नावा छत्री के धराया देगा घर ही चमकाया कई के सारे दारी टीका हरगिज ना लौटौबे शादी लाखन के करवौबे दुल्हन घरे बियाह के लौबे देखा ललकारी ऐसन जब ताना उदल भैया मलखान का मारिन तो मलखान के जनून चढ़ गया बोरा नून चढ़ गया हे भैया हम नून ना कहा तही अरे जनून चढ़ेगा माने खून गरम होएगा हजार हाथी के ताकत भगवान देखे यहाँ है वो जोश आई गये बाबा लेकिन देखा मलखान उदल से अब का कहता है भाई इतने सुनते लवर होएगा अरे सिरसा के मलखान उदल तू सोवा सिरवा जगाया उदल मार देहा ताना बीरन आज हमका तू दुधवा के याद करवाया हमका अरे काम सह काम कच्चा चबाई ले वेतना है हमारे दावा उदल खोद के किला बूंदी गढ़ के बहाई देव चल के भरतिया सजावा उदल अरे बलछियो भाला यसर न करे हमरे तो बरदनवा शारद से पावा हम तो बर चले चाचा सैयद बनारस से आवा अरे चले मले खान भाई सिरसा के ज्वाल जे करे घर जे गर्भ गिरी जावा एसस बराती तैयार होता है कि जेकरे रणखेत में पहुँचे पे एक दा गर्ज देह पे महिला में नहत बेकार हो जा समय समय दैवी मेहरर होने पे बा वो गर्भवती गर्भ गिर जाए लेकिन भैया वैसे गर्जना रही वैसे भगवान ताकत दे रहे लेकिन देखा कहा था है भाई और जेकरे गर्जे गर्भ गिरे सब बारात भय तैयार जेकरे गर्जे गर्भ गिरे सब बारात भय तैयार उड़े पताका आसमान में होता जय जयकार
कूदल पहुँचे तिलका के लग बोले खैचे कूदल कहा थे मौसी काहे बैठू धीरज तिलका कहा थी है बेटा यह चिंता यह है अपार एक लौता लाखन हमारे जो कनऊज पे उजी इतना सुनते उदल जरिया बोला ताड़ी मार क्यों ना जन्मा दुनिया में जो दे हमें ललकार माधो राम सभा के अंदर सबके ताबेदार वीर जय चंद जहा के राजा उदल के मौसी हाँ। लाखन के महतारी घबराती यहाँ कि जन्म की कमाही में भगवान हमें एक के बेटवा दे यहाँ न एक बेटवा का बेटवा समझे के चाही हाँ, न एक आँखी के आँख समझे के चाही हाँ। पता न भगवान कब बिगाड़ दे हाँ। लिए रानी तिलका घबराती यहाँ कि बेटा जौनी जगह लेके जाते हैं वह लाखों के मूड़ कटे के संभावना बा और जादू के मारू बा लेकिन उदल अपनी मौसी का समझावता है मौसी अब ना करा गलानी मौसी अब ना करा गलानी होए ना कनौज के हानि अब तो बियाह पद मारा सानी बंगला में बजई है बाजा भैया उदल तिलका से बतलान उदल तिलका से बतलान बाटू काहे का घबड़ान लौबे सो पद्मावती का तोड़ दे बाबू दी गढ़ के हमें किया भैया हाँ औ किला तोड़ दे बूंदी गढ़ के चल के बैठा महलन किला तोड़ दे बूंदी गढ़ के चल के बैठा मुड़वा काट के काम साह के धरबे तोहरे चरणन पद्मावती कभी यही के लईबे पक्का जान लौटब तब जब से धुर भर दे पद्मावती के माथन यही किसिन समझाई के उदल शीश झुकाए शीश झुकाए चरण में उदल लय बरात अगुआन लय के बरात उदल पहुँचे बूंदी गढ़ दरी लगी कचहरी काम साह के तब उदल बतलान सिधुर सुपाड़ी पहुँचावा जो सगुन ब्याह के सिधुर सुपाड़ी लय के गंगा सिंह होई गए बैठा रस में दुल पे गंगा उड़ा घोड़े अस पाँच मिनट के अंदर पहुँचा बूंदी गढ़दरी लाग पियास रही गंगा के जिया रहायक पानी भरत रही कुंगना पे सखिए जुटी उतर पड़े घोड़ा से गंगा करने को जलपान कुआं के ऊपर गंगा राम सिंह सब सहेलियन का देखें हाँ। तो बिना पियासे के पियास लाग गए हाँ। और जाए के कुआं के ऊपर पहुंचा था हाँ। लेकिन आगे लटका में कैसे कहते हैं कैसे भैया हा भैया हाँ। अरे उतरे घोड़ा से सैलानी गंगा चले पिए का पानी लड़गे सखिया सयानी से नए सखिए कहें कहां से आया घोड़ा कुना पे ठहराया कालो का नाही डेरा न्या मारे दानवाला वही गर्दन जाए उतारी दे गंगा कहे सुना महारानी आए पिए बदे हम पानी काहे बाटूरी सियान बिना कमा
पानी जा पिया भोला दे हम लौटा बिना पानी के सुखाने मोर बदनवा सखिए की साफ इनकार का हम नौकर यही तुहार पानी ना पौगा एक धार बेसरमवा कहे कि घैला दैदा इतना रहम गुजरिया कैदा पानी पीले तब लैला बरतनवा सखिए कहे न घैला दे पानी तो है पिए ना देव का तोहार बाप खोदाए बाकुआनवा ठार सब कह कई डर खै कार एक निशाना सब कह घैला फोर बहाई सखिए भागी हैं चिल्लाई जाए राजा से बताई कुल बयानवा सुमन की हिस गजब अंधेर धई के कलई दिस मिरोर गर्जत बाकुना पैसेर नी भरा मावा पद्मावती हुकुम फरमाई अपने भैया का बुलवाई सारी हाल बतावे घाटे पे तूफानवा चला कुआं के वार बोला गंगा से ललकार के बचनवाना पाजी बोला कहां से आया घोड़ा कुआना पे ठहराया कालो काना ही डेरा ना अपने मनवा कालो से धुरी अवर सोपाड़ी हम तो लाए तोहरी बहनी के सगुनवा हम तो तोहरा रिश्तेदार लागा तू सार हमार डोला दई दालई के जाई हम गवानवा इतनी बात जब गंगा राम के मुहे से धारा मलबीर सुनता है तो बहुत बड़ा योद्धा बूंदीगढ़ के मशहूर वीर रहा और सुनत भर में आग लाग गए और डांट के कहत का बा इतने सुनते जरिया अरे धारा मल सरदार तब करने चला माए धनवा गंगा चढ़े भैया बेदुल के ऊपर तो खींच लिए म्यान से कमलवा अब तो अरे लश्कर टूटी पड़ी गंगा के ऊपर हाथों बर से कटारे अवर बनवा लाग भर से कटारे घोड़ा उधिराई पड़ा लश्कर के बीच लाग मन इनके कार है भोजनवा लाग मन इनके कार है भोजनवा
विचार करे मनवा धारा अरे कौने लोक का घोड़ा चला गा उड़ गया जाय के आसमनवा राम तंजे माबे दुर सरगवा से उतरा धारा मल के समनवा राम अरे भागे सिपाही बहाई तेगा गंगा काहे सुना बे ई मनवा गंगा काहे सुना बे ई बगिया में तो भेज दिया पाजी रसनवा राम अरे बिन दुलहिन पाए बारात ना है लौट चाहे बीत जाए कईयो महिनवा राम अरे घोड़ा के मारु देख धारा मलिका पिगवा झुक गया संभर में गर्दनवा राम अरे से दूर सो पाड़ी देहे धारा मलिका गंगा के हेन लावो टनवा गंगा राम सिंह ठाकुर हैं छत्री हो है। लेकिन आज लाखन के ब्याहे में जब नाऊ जवाब दे दही सेंधुर सुपारी ले जाए में तो गंगा राम सिंह आज नाऊ बन के देखा सेंधुर सुपारी लेके गए और बीरन का लचाई देहन घोड़ बेदुला के जाती और देखे सेंधुर सुपारी धारामल के हाथों में थमाई की आवत हैं और कह के आवत हैं कि बारात बगिया में रुकी है कुछ नाश्तो पानी भेज दिया दुल्हन तैयार कह रहा हाँ। अब की उदल को वो सरीब आए ये भैया हाय और लवट पड़ा जनवास्क गंगा आगे ध्यान लगाए लवट पड़ा जनवास्क गंगा आगे ध्यान लगाए पहुंचा जाए के जनवसिया में घोड़ा दिया बनाए हाल बतावे मलखाना से वह उदल मुस्काए बिना भेद भीतरी के पाए जिया मोर यकुलाए उदल जाते हैं बूंदी गढ़ घोड़ा रहे सजाए तोड़ दे बूंदी गढ़ के हम किला भैया यार देखे उदल अपने घोड़ बेंदुला से कहत कहा है भैया उदल रस बेंदुल से बोला उदल रस बेंदुल से बोला लौबे पद्मावती के डोला चाहे बरसे बम के गोला बाटे अब भौजी से मिले ना जरूरा देखें भैया उदल कहा तहा है अरे मिलना जरूर है भौजी से जेके तिलकिया चढ़वा मिलना जरूर है भौजी से जेके तिलकिया मिले न डोला पद्मावती के बिना भेद वह कहे कहै बेदुला बैठा उदल लौटब ना बिन में नैना गढ़े काना जाना जादू नगरी में पता पाई जाए काम साह तो फौरन भेड़ा बन लवट के आवे ना पऊ ब्याता मोहबा दूल्हन होई उदल कहे कि बिन देखे अब चित में चैन नहीं भेद बताई दे भौजी तब सुख से भावर होई पूरा बेदुला आसमान माँ बूंदी गढ़ काता जाय के पहुँचा गढ़ बूंदी में रात अधेरिया बा उदल कहे कि हरे बेदुला जानो बात बिगड़ी जा आधी रात के टाइम चलत बाटा पद्मावती भौजी पता न कहाँ सोवत हुई है कैसे मिला जाए उनसे लेकिन घोड़ा बड़ा बरियारबा बड़ा होशियारबा कहत बा उदल से
कहत तोहका सेजरिये पे उतार दे। ऐसन बात करे उदल बेदुल से तो खुद पड़ा बीचे जगनवा घोड़ा खुद पड़ा। अरे पिठिया से उतरे विचार करे उदल तो हम जाई कौने भानवारा। उदल बढ़े जाए के अंता पे पहुँचे जहाँ सोवत ही सखिए भवनवाराम। अरे सखियन के दीपक जलाई चारो कोनवा तो उदल विचार करे मनवा अपने उदल। अरे खोल दिया भौजी नयनवा सुना हमारी खोल दे तू भौजी। पद्मावती का पता कि केहू हमें जगावे आए या क्यों जगावत बा। वो घोड़ी नींद में सोवतिया है। हाँ, कैसे जगावे करे जब घोड़ी नींद में सोवतिया है भैया। घोड़ी की नींद में ना कहा था, घोड़ी नींद में बेधड़क सोवतिया उनका पता ना आया। अच्छा अच्छा। लेकिन देखा उदल कहता है और भाई कहाँ रहा धुन में। अरे राम बीती रतिया, अरे बीती रतिया हो राम बीती रतिया। अरे भौजी खोज तोरी अटारिया बीती रतिया। चारों तरफ से घेरे दुश्मन कसे कमर हथियार। अरे ये कुबार तू बोली द चाहे, अरे गर्दन लिहू तार फेरा देवर पे नजरिया बीतिया। उदल कहता है आ भाई यह अधियरिया रात में देखा दुनिया बाटे सोआ। अरे सारी रात बीत गए भौजी, अरे हमका तो है जगावत हमका घेरे हमका घेरे लसकारिया बीती रतिया। भैया हो उदल कहता है भाई भौजी यह जादू नगरी में अकल करे ना काम। अरे भौजी यह जादू नगरी में अकल करे ना, भेद लेन का हम तो वाए। अरे राखा रानी मान घूम लाखन के तो घूम लाखन के भवारिया बीती रतिया। Yeah.
कहता है, यही कहता है, हमें छोड़ी के दुनिया मा कौना बाबलकारी। भौजी जाग जा, जाग जा, अगर इतना हैरान करती यहाँ और कहीं काम बिगड़ गया तो सब काम बेकार हो जाए। कहता है का भैया, हमें छोड़ के यह दुनिया माँ के ना बाबल का। अरे अगर बरात लवती जो जाए तो जन्म भी रहा बुकारी, जाए धोखे में जाए धोखवई में उमारिया। से जगाए लेकिन जागी ना है। अपने दिल में सोचत यहाँ सुबेरा होत बा, अगर यही रही जाब तो हमका जेल काटे के पड़े। लेकिन इनहू का जाने के चाही कि केहू जगावत रहा, कम से कम इतना तो जाने। हम का करी और का करत हैं भैया। बहुत जगाए बघूदल पर महारानी ना जागी, बहुत जगाए बघूदल पर महारानी ना जागी। अरे माधव राम कहा थे सोच, अरे उदय चंद्र सैलानी लिखे कागज पे, तो लिखन कागज पे खबरिया बीतिया। बाबू देखे पत्र में का लिखल और पद्मावती के सीने पर रख दें ताकि सुबेरे जागे, उठ के बैठे तो इनके आंचल में गिरे। लिखे हैं भैया, अरे लिखे खबर कागज के ऊपर हे भौजी चितलाए, लिखेन खबर कागज के ऊपर हे भौजी चितलाए, बहुत जगाए तब न जागी गई गजब यहाँ, मिलू सवेरे फुलवरिया में मिलब अकेले, कहई बे दुला भागा उदल भवा भोर भिन, बैठे बेदुल पे उदल जनवास में पहुँचे जाए, हाल बतावे मलखाना से पायन भाए जगाए, जब सवेरे फुलवरिया में शायद वहें मिल जाए। बात अब भौजी से मिले ना जरूर, ए भैया। लेकिन देखें जब सुबेरा होता है तो पद्मावती की आँख खुली और सेज पे जब उठ के बैठती यहाँ है तो सीने से पत्र वह उनकी आंचर में गिरा। आंचर में जब गिरा तो वह पत्र का खोल के पढ़े लागी और उदल का लिखे हैं, सुने भैया। अब तो भवा भोर भिनसार, अब तो भवा भोर भिनसार, जागी पद्मावती से कुमारी, आगे देखे नयन पसा। उदल की चिट्ठी गिरी है आगे, अरे चिट्ठी गिरी है आगे रानी खोल के लागी निहा, चिट्ठी गिरी है आगे रानी खोल के लागी निहा, पढ़े पत्रिका जब उदल के रानी मन में बीचा, आधी रात में उदल आए हमें जगाई के गए, भेद लेन काया रहन वो भागन उठ के भिन, अखिया खुली हो तो वह समय छोड़ इतना बिन, मिले की तैया फुलवरिया में बाटन हमका सन का, इधर बेदुला पे चढ़ू दल फुलवरिया में सीधा।
देखे पद्मावती सब कुछ सोच विचार के कि अगर ना जाए तो बरात उदल वापस लेके चला जाइए तो दूसरे के हिम्मत ना ना और फुलवारी में जाब हमारा खेल ठीक ना ना लेकिन ना ही हमका जाब जरूरी है। उदल कहे है कि अगर भैया लाखन के साथ अगर अपन ब्याह चाहू माघ में सिंदूर दान चाहू तो फुलवारी में आके अकेले मिलू और हम वही आईब वही आईब। लेकिन भैया अब देखा यही सोच के पद्मावती सज के सोलह सिंगार कई की जाती है भैया। जब उदल अपनी भौजी का देख लेन तो जैसे फुलवारी खिली बा वैसे भौजी खिली यहाँ बहुत खुश भयल और लटका में कहते हैं कैसे भैया। उदल चले लगाए आस अरे आज पूर होए अभिलाष कर बे हम भौजी से बात आज मन माने आगे जाए बोली पद्मावती गुस्साए कहाँ से आया तू घोड़ा दी है बाने भैया दिल में शंका नागी माने तो भाग जना ना कालो का नागी डेरा ना की मन माने या पे अगर बरियाई फौरन कैद कराए भाई अब ही गर्दन ले कटाई होए कुर्बानी अपन नाम जल्द बतलावा घोड़ा बगिया से लौटावा नाही काल ने कचावा होए जीव हानी जग जहान बाटे उदल मेरा नाम तेगा बरदानी रतिया आए हमें अटारी तोहका गए जगाई के हारी कौनी नी दिया में सोई रहू महारानी जो है मर्द का थोड़ा आजमावा थी। पद्मावती कहती है ओ कम से कम इतना तो जान ले कि आल्हा के भाई उदल नहीं एहन अरे एक मेहरारू का ना जागा सक्या भैया मनसेधु का जगावे मसान बा मेहरारू का जगावे में कठिनाई बा लेकिन उदल कहता है कि हमार नाम सारी दुनिया में जाहिर बा लेकिन पद्मावती कहती है बोली पद्मावती मुस्काए अरे तू ही हो वाला के भाई हमें ना पाया जगा ले पहचाने खुल जाते तो हारती इज्जत चली जाती हमार हम कहां सा संसार सारी जिंदगानी उदल कहे समझ के बोला एक दिल लेके चल बे डोला घू घुट कढ़बू जैसे झोला रहबू सर मानी तो ना है लड़कियां तो का खोजत बाटे सैया तन की ताकाया पंदहिया कर मेहरबानी अरे उदल उदल कहता है भौजी इतना बड़े बड़े के ना बोला नहीं
लागत है सारी जिंदगी नैहर में बिताए देबू तो ससुरे पिया का लेके जाबू। हाँ। इतनी बतियार जब ताना पाई तो पद्मावती कुछ शर्म खाई गई। हाँ। जो सर के आंचल बिखरा रहा। हाँ। वो अपने सिर का ढांके लागी और उदल का कहता है, उदल की बतिया, उदल की बतिया पे शरमाई गई पद्मावती, लागी आपन संहारे चुनरिया राम, अरे उदल काहे काहे लज्जित भाई भौजी बाकी बसारी उमरिया, भूल गए तोहरी नजरिया माँ, हम तो भूल गए तोहरी नगरिया माँ, अरे भूल गए तोहरी नगरिया माँ, अरे बंगला का भेदवा बतावा मोरिए भौजी फरकतिया है तालवरिया हमारी, पद्मावती का है सुन ला है उदल जिन समझा रंडी पतरिया राम, समझा रंडी पतरिया, अरे जिन समझा रंडी पतरिया, अरे बिन ब्याहे भौजी कहत तो बाट हम का गड़बड़ बा तोहरी खोपड़िया उदल, हमारे भैया के बनबू मेहरिया राम, भैया के बनबू मेहरिया, अरे भैया के बनबू मेहरिया, अरे करबे बियाहवा हम लाखन के सतवा, जात यही कई के करिया राम, जात यही कई के करिया, अरे जात यही कई के करिया। भैया हो उदल की यह मीठी मीठी बात सुन के पद्मावती पिघल के पानी हो गई, मोम हो गई। बाबा पद्मावती कहीं उदल। हाँ। आज जैसे बात सुनाया हमारा आत्मा खुश हो गई, लेकिन बरात लेके आया है तो कहीं कष्ट पड़े तो भाग के जाया जिन, पीठ दिखाई के जाया जिन, कहीं तोहार गाड़ी फंसे तो पद्मावती भौजी तोहार पार करी है दलदल से गाड़ी, लेकिन याद ना भूला। हाँ। और अब उदल अपनी महल का जाता है, पद्मावती अपनी महल का जाती यहाँ है और उदल अपने जनवास का जाता है, कहत यहाँ है का भैया, कौनो जरूरत पड़े जो हमार तो चला आया बन के अनरिया राम, ए भैया। हाँ। अरे कौनो काम पड़े उदल तब आया बन के आना, कौनो काम पड़े उदल तब आया बन के, रानी चली महल के अंदर किए उदय सिंह तैया, बैठे घोड़ा पे उदल जनवास में पहुँचे बल, हाल बतावे मलखाना से कैला भैया तैया, उदल की चिट्ठी गिरी है आगे, जब से भौजी से मिल के आए इनसे ना। हाँ। पानी पी जात बा और ना खाना खाए जात बा, भौजी के सूरत केवल नजर पे नाचत बा कि भौजी के माग में सिंदूर दान कितनी जल्दी करवाई के। हाँ। और भैया के ला साथ इनके भावर घुमाई के दुल्हिन बनाई के ले चली। हाँ। ताकि हाँ पूरी रसिया जल्दी खाए भाई, एक शौक नायना सबसे ज्यादा शौकी बा कि मौसी तिलका से करार कही के आए बाटन कि जल्दी से जल्दी दुल्हिन। हाँ लेके आओ आई बे। लेकिन भैया। हाँ। उदल देखे भौजी की याद में फिर जाता है। हाँ। और अपन असली रूप छिपाई के एक साधु नकली बन के जाते हैं। जात कैसे है अपने असली रूप छिपा के, आपने असली रूप छिपा के उदल चली भय तिलक लगा के, तेगा कमर बीच लटका के गावत गीत रिझावल चले मढ़ी के वा,
हे भैया। अरे चले मढ़ी के वार उदय सिंह भेष जोगिया बाना, चले मढ़ी के वार उदय सिंह भेष जोगिया बाना, आए बिचारे आज महलों में मिलबे भौजी से, कैद करऊबे काम साह का हाथ हथकड़ी पहनाए, लाखन भैया पद्मावती के ले बे भावर गावत भजन उदय चंद्र चल भय हाथे खजड़ी बाजा। आज मैं फिल्में बजावा तू सीता, ए भैया तो सिंह बाहिनी दुर्गा देवी बजे सभा में सीता, सिंह बाहिनी दुर्गा देवी बजे सभा में सी, रोम रोम झनकार करायो कलम हाथ में सही, दिहु ज्ञान तू कालिदास का महाकवि कहसन, वाल्मीकि के जिभिय बैठू महापुराण को रचे, माधो राम के कलम पे सारद बैठ करा तू किल, हाल कही हम गढ़ बूंदी के काम साह जहां सर, जे के बिटिया पद्मावती है काम देव भय असवा, काम साह मंत्री से बोले अब ना कीजे आबा, ब्याहन जोगे भाई पद्मावती करा तिलकिया तई, नाऊ ब्राह्मण का भेजायो घूमे दुनिया मा, लिखा शर्त कागज के ऊपर बंगा लेख समाचा, लड़के जीते जे बूंदी गढ़ करे दुआरे, करे भंवरिया पद्मावत के बूंदी गढ़ के मांग, नाऊ ब्राह्मण टीका लेके भय बंगले से तैया, पहुँचे गढ़ दिल्ली में जहाँ पृथ्वीराज हैं सरदा, दिए पत्रिका पृथ्वीराज का तुरत केहन वो इन, जादूगर आई है बंगले में लड़के ना पऊ, एक दुलहनी के कारण लाखों जीवन जई है माँ, टीका फेर देहे दिल्ली पतियागे सुना समाचा, नाऊ ब्राह्मण गए कनौज में जय चंद्रा के दर, लागी सभा जय चंद्र क बैठे सूर कसे सब हथियारा, नाऊ ब्राह्मण पद्मावती के नाम के टीका लेके घूमत हैं, हाँ। लेकिन जय राजधानी में जात हैं तो पत्र में एक शर्त बा, हटावा ना गन हाए, उगन है वाली शर्त ना ने बाबू, हाँ। पत्र में शर्त लिखा बा, अच्छा। जे बूंदीगढ़ देश जीत ले, हाँ। वही पद्मावती के भावर कराए और सिंदूर दान कराए, हाँ। लेकिन वह टीका सारी दुनिया से वापस हो गया, लेकिन अंतिम वहाँ कनौज में पहुँचा बा राजा जय चंद्र की राजधानी माँ, अब देखे वहाँ का हो तो बा लटका में, अरे टीका दिल्ली पत लौटाए, नाऊ ब्राह्मण कनौज आए, जहाँ जय चंद्र लगाए कचहरिया ना, हाथ जोड़ श्री नावा पाती राजक पास पठावा, पढ़ के राजा सिर झुकावा भय फिकरिया ना, पढ़ के जय चल गए डराई टीका तुरंत है लौटाई, उदल पूछे दया बताई कुली खबरिया ना, जय चंदू दल से बटलाए टीका काम सा भिजवाए, ब्याह बेटी के रचाए बल करिया ना, होए जग में जे बलिवान जीते बूंदीगढ़ मैदान, बाटे जादूगर के काम है नगरिया मां, जो ले चढ़वाई बूंदी गढ़ में होए लड़ाई, सबका कैद ले करवाई जादूगरिया माँ,
पौड़ा ना ठेकाने आटे बूंदी गढ़ मैदान रोई है महाबली मलखान वे समहरिया माँ दुनिया माया उतार रोके उदल के कटार बाले करिया ना तोपे सिरसा के मलखान रोएंगे बूंदी गढ़ के ज्वाल जादू देगी नहीं काम वे समरिया माँ यही किसिम बतलाए टीका लौटा के चढ़वाए विदाई ना उबरा भर पाए हैं मोहरिया ना ए भैया तिलक तो उदल चढ़वाए लेहन जबरदस्ती चढ़वाए लेहन लेकिन देखा के पे अपने मौसी के बेटवा लाखन पे लेकिन आगे बिरहा में देखें चढ़ी गे लाखन पे तिलकिया उदल सा जाता है बरतिया गाई काम साह के बिटिया के खबरिया ना पद्मावती की ही तैयारी सज के महलों में सिकुमारी घूमे चली फूलवारी सब गुजरिया ना संग में लेके सखी सहेली पहुंची बगिया में अलबेली सखिए कहे किया वा खेली अब खेलरिया ना बोली सखियन से सुकुमार डोली ले जाएंगे हमार कब संवरिया ना सखिए कहे पकड़ी के बहिया मुड़वा पीटा नाही गुइया डोली चढ़ के जाबू सैया की दुवरिया ना खबर जे घरी पई है टीका जबरन वे चढ़वाई है बूंदी गढ़ में चमके उदल के कटरिया ना देखे बाटे मर कटार पे दुल घोड़ा के असवार उदल कई डरी है कई कार लस करिया ना भैया जेकर भाई है मलखान शारद देहे हैं बरदान जेके बजर के समान बासरीरिया ना बजर के समान पद्मावती कहे मुस्काई का उदल के किहू बड़ाई नाचे बन के जवन लुगाई ससुररिया माँ ससुररिया माँ ससुररिया माँ नाचे बन के बदल के है चोला रोई के शिव शंकर जी भोला वह समरिया माँ रानी लेकर के अंगड़ाई गुइया तुमसे काऊ बताई लखते गईली पथराई मोर नजरिया ना पद्मावती हाँ
सखियन से कहा यहाँ सखी जेके तू इतना बखान करती यहाँ उन्हीं के तो रास्ता हम लखत है लेकिन कब यही है लखत लखत पाथर हो पाथर हो गए और कब तलक के नैहरे में बीते हैं सखी इतना दिन से इंतजार करते ही जोड़ा समोरी सखी सहेलर यह सबके तुम ब्याह गौन होगा लेकिन हमार कब होए यही सोच में फुलवारी में पद्मावती सखियन के सामने कहत यहाँ कहरवा धुन में बा अरे हे हमारी सजनी हाय तो हे हमारी सजनी अरे कैसे बीते जिंदगानिया हमारी सजनी घूम दुनिया अंदर क्यों टीका नाए चढ़वा अरे दिल्ली पतिवा पृथ्वीराज मोर तिलक यहाँ लौटाए जेकरे बल से कांपे दुनिया हमार सजने भावर करने को बंगले में क्यों ना हमें देखा बूंदी गढ़ के नाम से रील अरे बड़े बड़े कदात फिर गे दुनिया से लगानिया हमारी सजनी कौनो चीज में अरसा होत है तो लोग यही सोचा थे कि अब ना होए पद्मावती बहुत निराश ही और कहत यहाँ लक्षण ऐसे जान पर तो बाउमर भेराब कुमारी जनो विधाता करम में हमारे अरे लिखन नाए ससुरारी बीते नैहर में जवानियां हमारी सजनी फुलवारी में यह सब बात करते हुए बहुत टाइम लग गए एक सखी महल से आवती बा सबको जान लेबा कि घर पे का हुआ का भवा जोने बरे रोवत यहाँ वो तो हो ही गया आज के सारी बात सही सही बतावत बा एक सखी तब आए समझ के पद्मावती से बोली तिलक चढ़ाई गई कनौज में अरे चढ़ी के जा बुडोली हो बुलाखन के दुल्हनिया हमारी सजनी Yeah.
आऊ हो बुला खन के दुलहिनिया कहे सखी समझाए, हो बुला खन के दुलहिनिया कहे सखी समझाए, मोहबा के राना दलवे लेहन तिलक चढ़वाए, उन्हीं देवला नंदन यही घे भावर ले कराए। आज मैं फिल्म में बजावा तू सितार, नाउ ब्राह्मण वापस लौट के आए और काम सास से सारी बात बतावता है, लेकिन आगे होत का बा भाई। नाउ ब्राह्मण लौट के आए, काम साह से हाल बताए, टीका कनौज पति चढ़वाए, वीर जय चंद जहा के राजा, भैया औ वीर महाजय चंदक सुनिए जवन तिलकिया चढ़वा, पहले तो इनकार कहन फिर उदल टीका चढ़वा, उदल कहन कि लैला टीका जो होए देखा जाए, मूड़ काट ले बे दुश्मन के नदी खून के बही, तिलक चढ़ाई दीन नाखन पे नेग मिला घर, तिलक चढ़ाई दीन लाखन पे नेग मिला घर का, इतने सुनते काम साह के दोनों नैना, दोनों नैना फहराए वो जर के भयंकर, कहाँ कऊ दल कहाँ लाखन गर्दन ले बो, कब से तलवारी हा भय उदल जवन देहन लल, बूंदी गढ़ का जानत बाटे सारा सकल जहान, इतनी बात यही पे छोड़ा आगे कै सम। उदल पहुँचे मलखा के लग बोले बात संहारे सुना, उदल तिलक चढ़वाए लेकिन लेकिन पहला ने होता लैके बड़ के भैया वीर मलखान के पास पहुंचा तहन गढ़ सिरसा में, हाथ जोड़ के कहता है योधा सिरसा के मलखान, अरे भैया सुना लगा है कान, हारे लाखन का जबान चला ललकारी, काम साह भिजवाए टीका लाखन पे चढ़वाए, बोला हम बरा सजवाई चला बाले पारी, मलखा कहे गजब कैटा टीका तू जब रंग चढ़वाया, नाउ महोबा के मिटाया गई माती मारी, जो जा ब्या जिंदा लवट के नागी, यौ ब्या भेड़ी भेड़ा बन के रो ब्या रोए महातारी, जहाँ कुशलत जिद्दी हटावा टीका बूंदी गढ़ लौटावा, चल के लाखन का समझावा वो मिले ना नारी, तनी बात जब मलखान कहें तूदल हाथ जोड़ के कहा तहन भैया हम तिलक चढ़वाए लेन और यही जबान फिर से वापस ना करब, यही जबान से हाँ कीन और यही जबान से कैसे ना ही करी, तो एक बात है सुना कहा भाई, जहाँ कहा लाखन लाखों फौज सजाए के तोहरे साथे तैयार रहें, आज उनके बियाहे में इनकार करते हा, तेका जान ला फिर से उनसे ना कह सकते हा, नहीं भाई लेकिन हमार कहना बा, उदल कहे जोड़ी के हाथ, अरे काटा ना कनौज के ना किए से भले काटिला माथ खींचा तलवारी, बाटे जीवन के अधिकार सिरवा भागई देख बिलार, जैसे मूसावा बिलरिया को फटकारी, बिलरिया
प्यार दई के जानम बदे नाम भाई महातारी। दुधवा कनका कै लजवाया नावा छत्री के धराया देगा घर ही चमकाया कई के सारे दारी। लेकिन घरे भी यही के लौबे देखा लाल कारी। हाय लाल कारी ओ लाल ऐसन जब ताना उदल भैया मलखान का मारिन हाँ। तो मलखान के जनून चढ़ गया बोरा नून चढ़ गया। हे भैया हाँ। हम नून ना कहा ही हाँ। अरे जनून चढ़ेगा माने खून गर्म होएगा। हजार हाथी के ताकत भगवान देखे यहाँ हाँ। वो जोश आई गयू बाबा। लेकिन देखा मलखान उदल से अब का कहता है भाई। इतने सुनते लवर होएगा अरे सिरसा के मलखान उदल तू सोवा सिरवा जगाया उदल। अरे मार देहा ताना वीरन आजो हमका तू दुधवा के याद करवाया हमका। कच्चाई चबाई ले इतना आया है हमारे दावा उदल। अरे खोद के किला बूंदी गढ़ के बहाई देव चल के भरतिया सजावा उदल। बलछियो भाला यसर न करे हमरे तो बरदनवा सारद से पावा हम तो बर। अरे आल्हा चले यारो इंदल चले चाचा सैयद बनारस से आवा चा। खान भाई सिरसा के ज्वाल जे करे गर जे गर भगिरी जावा जे कर गर भगिरी जाए अरे गर जे गर भगिरी जावा। वाह एसस बराती तैयार होता है कि जेकरे रणखेत में पहुंचे पे एकदा गर्ज देह पे हां महिला में नहत बेकार हो जा। समय समय दैवी मेहरर होने पे बा है वो गर्भवती हाँ। गर्भ गिर जाए लेकिन भैया वैसे हाँ। गर्जना रही वैसे भगवान ताकत दे रहे हाँ। लेकिन देखा कहा था है भाई और जे करे गरजे गर्भ गिरे सब बारात भय तैयार। जे करे गरजे गर्भ गिरे सब बारात भय तैयार। उड़े पताका आसमान में होता जय जयकार उदल पहुँचे तिलका के लग बोले खैचे। उदल का हाथ मौसी काहे बैठू धीरज तिलका का हाथ है बेटा यह चिंता यह है अपार। एक लौता लाखन हमरे जो कनऊज के उजी इतना सुनते उदल जर गया बोला ताड़ी मार। क्यों ना जन्मा दुनिया में जो दे हमें लल माधो राम सभा के अंदर सबके ताबेदार। वीर जय चंद जहा के राजा मौसी हाँ। लाखन के महतारी घबराती हैं हाँ। कि जन्म की कमाही में भगवान हमें एक के बेटवा दे यहाँ न एक बेटवा का बेटवा समझे के चाही हाँ, ना एक आँखी के आँख न एक आँखी के आँख समझे के चाही हाँ। पता न भगवान का बिगाड़ दे हाँ। यह लिए रानी तिलका घबराती हैं हाँ। कि बेटा जो उन्हीं जगह लेके जाते हैं वह
लाखों के मूड़ कटे के संभावना बा और जादू के मारू बा। लेकिन उदल अपनी मौसी का समझावता है। मौसी अब ना करा गलानी, मौसी अब ना करा गलानी, होए ना कनौज के हानि, अब तो बियाहब पद मारा सानी बंगला में बजई है बाजा। भैया उदल तिलका से बतलान, उदल तिलका से बतलान, बाटू काहे का घबड़ान, लौबे सो पद्मावती का तोड़ दे बाबू दी गढ़ के हमें किया। भैया औ किला तोड़ दे बूंदी गढ़ के चल के बैठा महलन, किला तोड़ दे बूंदी गढ़ के चल के बैठा मुड़वा काट के काम साह के धरबे तोहरे चरणन, पद्मावती कभी यही कलई बे पक्का जान, लौटब तब जब से धुर भर दे पद्मावती के माथन, यही किसिम समझाई के उदल शीश झुकाए, शीश झुकाए चरण में उदल ले बरात लैके, बरात उदल पहुँचे बूंदी गढ़ दरी, लगी कचहरी काम साह के तब उदल बतलान, सिधुर सुपारी पहुँचावा जो सगुन ब्याह के, सिधुर सुपारी लैके गंगा सिंह होई गए, बैठा रस में दुल पे गंगा उड़ा घोड़े अस, पाँच मिनट के अंदर पहुँचा बूंदी गढ़ दरी, लाग पियास रही गंगा के जिया रहायक, पानी भरत रही कुंवना पे सखिए जुटी, उतरी पड़े घोड़ा से गंगा करने को जलपान। जब कुआं के ऊपर गंगा राम सिंह सब सहेलियन का देखिन तो बिना पियासे के पियास लग गए और जाए के कुआं के ऊपर पहुंचाता है। लेकिन आगे लटका में कैसे कहते हैं, कैसे भैया, हाय भैया, अरे उतरे घोड़ा से सैलानी, गंगा चले पिए का पानी, लड़ गए सखिया सयानी से नैनवाना, सखिए कहें कहाँ से आया, घोड़ा कुना पे ठहराया, कालो का नाही तेरा न्यामर धनवाना, वही गर्दन जाए उतारी दे मानवा, गंगा कहे सुना महारानी, आए पिए बदे हम पानी, काहे बाटूरी सियान बिना कमावा, पानी जा पिया घोड़ा दे ही हम लौटाए, बिना पानी के सुखाने मोर बदनवा, बिना पानी के सुखाने मोर बदनवा, बिना पानी के सुखाने मोर बदनवा, सखिए कहीं साफ इनकार का, हम नौकर यही तुहार, पानी ना पौगा एक धार बेसरमवा, कहे कि घैला दैदा इतना रहम गुजरिया कैदा, पानी पी ले तब लैला बरतनवा, सखिए कहे न घैला दे पानी तो है पिए ना देव का, तोहार बाप खोदाए बागुआनवा, तोहार बाप खोदाए बागुआनवा,
ठार सब कह कह डारे खैकार एक निशाना खैला फोर बहाई सखिए भागी है चिल्लाई जाए राजा से बताई कुल बयानवा दुश्मन की इस गजब अंधेर धई के कलई दीस मिरोर गरजत बाकुना पे शेर नि भरा मोवा हुकुम फरमाई अपने भैया का बुलवाई सारी हाल बतावे घाटे पे तूफानवा सुनते धारा मल सरदार तुरते चला कुआं के वार बोला गंगा से ललकार के बचनवाना कहाँ से आया घोड़ा कुना पे ठहराया कालो काना ही डेरा नाय अपने मानवा कालो गंगा कहन लगा ललकारी था मां से धुरी अवर सुपारी हम तो लाए तोहरी बहनी के सगुनवा लेके जाई हम गवानवा अरे वाह इतनी बात जब गंगाराम के मुहे से धारा मलबीर सुनता है तो बहुत बड़ा योद्धा बूंदीगढ़ के मशहूर वीर रहा और सुनत भर में याग लाग गए और डांट के कहत का बा इतने सुनते जरिया इतने सुनते जरिया अरे धारा मल सरदार तब करने चला माए धनवा अरे गंगा चढ़े भैया बेदुल के ऊपर तो खींच लिए म्यान से कमलवा से कटारे अवर बनवा लाग भर अरे घोड़ा उधराई पड़ा लश्कर के बीच लाग मन इनके कार भोजनवा लाग मलिता विचार करे मनवा हारा अरे कौने लोक का घोड़ा चला गाउली गा जाई के आसमनवा राम तने माँ बेदुल सरगवा से उतरा धारा मल के समनवा राम अरे भागे सिपाही बहाई तेगा गंगा का है सुना बे मनवा गंगा का है सुना बे भेज दिया पाजी रसनवाराम अरे बिन दुलहिन पाए बारात नाए लौट चाहे बीत जाए कईयो महीनवाराम अरे घोड़ा के मार देख धारा मलका
टूटी गवा झुकेगा संभर में गर्दनवारा, सिंधुर सो पाड़ी देहे धारा मलिका, गंगा के हेन लावो टनवा, गंगा के लाऊ टनवाना, अरे गंगा के लाऊ टनवाना। गंगा राम सिंह ठाकुर हैं, छत्री हो है। लेकिन आज लाखन के ब्याहे में जब नाऊ जवाब दे दी सिंधुर सुपारी ले जाए में, तो गंगा राम सिंह आज नाऊ बन के देखा सिंधुर सुपारी ले के गए और बीरन का लचाई देहन घोड़ बेदुला के जाती, और देखे सिंधुर सुपारी धारामल के हाथों में थमाई की आवत है और कह के आवत है कि बारात बगैया में रुकी है, कुछ नाश्तो पानी भेज दिया, दुल्हन तैयार कह रहा, अब की उदल को सरी बाय ए भैया हाय, और लवट पड़ा जनवास्क गंगा आगे ध्यान लगाए, लवट पड़ा जनवास्क गंगा आगे ध्यान लगा, पहुंचा जाय के जनवसिया में घोड़ा दिया बनाए, हाल बतावे मलखाना से वह उदल मुस्काए, बिना भेद भीतरी के पाए जिया मोर यकुलाए, उदल जाते हैं बूंदी गढ़ घोड़ा रहे सजाए, तोड़ दे बाबू दी गढ़ के हम किला, भैया यार देखे उदल अपने घोड़ बेंदुला से कहत कहा है, भैया उदल रस बेंदुल से बोला, उदल रस बेंदुल से बोला, लौबे पद्मावती का डोला चाहे बरसे बम के गोला, बाटे अब भौजी से मिले ना जरूरा, यार देखें भैया उदल कहत है, अरे मिलना जरूर है भौजी से जेके तिलकिया चढ़वा, मिलना जरूर है भौजी से जेके तिलकिया, मिले न डोला पद्मावती के बिना भेद वह कहे, कहै बेदुला बैठा उदल लौटब ना बिन में, नैना गढ़े का ना जाना जादू नगरी में, पता पाई जाए काम साह तो फौरन भेड़ा बन, लवट के आवे ना पौ ज्ञाता मोहबा दुल्हन होई, उदल कहे कि बिन देखे अब चित में चैन नहीं, भेद बताई दे भौजी तब सुख से भावर होई, पूरा बेदुला आसमान मा बूंदी गढ़ काता, जाई के पहुंचा गढ़ बूंदी में रात अंधेरिया बा, दल कहे कि हरे बेदुला जानो बात बिगड़ी जा, आधी रात के टाइम चलत बाटा, पद्मावती भौजी पता न कहाँ सोत हुई है, कैसे मिला जाए उनसे, लेकिन घोड़ा बड़ा बरियारबा बड़ा होशियारबा कहत बा उदल से, कहत तोहका सेजरिये पे उतार दे, ऐसन बात ऐसन बात करे उदल बेदुल से तो खुद पड़ा बीचे जगनवा, घोड़ा खुद पड़ा अरे पिठिया से उतरे विचार करे उदल तो हम जाई कौने भवनवाया, उदल बढ़े जाए के अंता पे पहुंचे जहां सोवत ही सखिए भवनवाला में, अरे सखियन के दीपक जलाई चारो कोनवा, तो उदल विचार करे मनवा अपने उदल भौजी नयनवा सुना हमारी खोल दे तू भौजी, अरे खोल दिया भौजी
पद्मावती का पता कि केहू हमें जगावे या क्यों जगावत बा। वो घोड़ी नींद में सोवतिया है। घोड़ी की नींद में ना कहा था, घोड़ी नींद में बेधड़क सोवतिया है उनका पता ना। अच्छा अच्छा, लेकिन देखा उदल कहता है और भाई कहाँ रवा धुन में हा। अरे राम बीती रतिया, अरे बीती रतिया हो राम बीती रतिया, अरे भौजी खोज तोरिया टारिया बीती रतिया। चारों तरफ से घेरे दुश्मन कसे कमर हथियार, अरे ये कुबार तू बोली द चाहे, अरे गर्दन लिहू उतार फेरा देवर पे, फेरा देवर पे नजरिया बीतिया। भाई यह अधियरिया रात में देखा दुनिया बाटे सोआ, अरे सारी रात बीत गए भौजी, अरे हमका तो है जगावत हमका घेरे, हमका घेरे लसकारिया बीती रतिया। उदल कहता है भाई भौजी यह जादू नगरी में अकल करे ना काम, अरे भौजी यह जादू नगरी में अकल करे ना काम, भेद लेन का हम तो आए, अरे राखा रानी मान घूम लाखन के, तो घूम लाखन के भंवरिया बीती रतिया। हमें छोड़ी के दुनिया मा कौना बा बलकारी, भौजी जाग जा जाग जा, अगर इतना हैरान करती हा और कहीं काम बिगड़ गया तो सब काम बेकार हो जाए। कहता है का भैया हमें छोड़ के यह दुनिया मा कौना बा बलकारी, अरे अगर बरात लवती जा जाए जन्म भेरा बुकारी जाए धोखे में, जाए धोखवई में उमारिया बीती रतिया। से जगाए लेकिन जागी ना है, अपने दिल में सोचत यहाँ सुबेरा होत बा, अगर यही रही जाब तो हमका जेल काटे के पड़े।
लेकिन इनहू का जाने के चाही कि केहू जगावत रहा। हाँ। कम से कम इतना तो जाने। हाँ। हम का करी। हाँ। और का करत हैं। हाँ भैया, बहुत जगाए बघूदल पर महारानी ना जागी, बहुत जगाए बघूदल पर महारानी ना जागी। अरे माधव राम कहा थे सोच, अरे उदय चंद्र सैलानी लिखे कागज पर, तो लिखन कागज पे खबरिया बीरतिया, लिखे कागज पे बाबू देखे पत्र में का लिखल और पद्मावती के सीने पर रख दे ताकि सुबेरे जागे। हाँ। उठ के बैठे तो इनके आंचल में गिरे। लिखे हैं भैया, अरे लिखे खबर कागज के ऊपर है भौजी चितलाए, लिखन खबर कागज के ऊपर है भौजी चितलाए, बहुत जगाए तब न जाग्यो गयु गजब यहाँ, मिलू सवेरे फुलवरिया में मिलब अकेले, कहे बे दुला भागा ऊ दल भवा भोर भिन, बैठे बे दुल पे ऊ दल जनवास में पहुँचे जाए, हाल बतावे मलखाना से पायन भाए जगाए, जब सवेरे फुलवरिया में शायद वहें मिल जाए। बात अब भौजी से मिले ना जरूर, ए भैया। लेकिन देखें जब सुबेरा होता है। हाँ। तो पद्मावती की आँख खुली और सेज पे जब उठ के बैठती हैं। हाँ। तो सीने से पत्र वह उनकी आंचर में गिरा। आंचर में जब गिरा। हाँ। तो वह पत्र का खोल के पढ़े लागी और उदल का लिखे हैं सुने भैया। अब तो भवा भोर भिनसार, अब तो भवा भोर भिनसार, जागी पद्मावती से कुमारी आगे देखे नयन पसार, उदल की चिट्ठी गिरी है आगे, अरे चिट्ठी गिरी है आगे रानी खोल के लागी निहार, चिट्ठी गिरी है आगे रानी खोल के लागी निहार, पढ़े पत्रिका जब उदल के रानी मन में विचार, आधी रात में उदल आए हमें जगाई के गए, भेद लेन काया रहन ओए भागन उठ के भिन, अखिया खुली हो तो है समय छोड़ इतना बिन, मिले कि तैया फुलवरिया में बाटन हम का सन का, इधर बे दुला पे चढ़ू दल फुलवरिया में सीधा। देखे पद्मावती सब कुछ सोच विचार के। हाँ। कि अगर ना जाए तो बरा तो उदल वापस लेके चला जाइए तो दूसरे के हिम्मत ना ना। हाँ। और फुलवारी में जाब हमारा खेल ठीक ना ना, लेकिन ना ही। हाँ। हमका जाब जरूरी है। हाँ। उदल। हाँ। कहे है कि अगर भैया लाखन के साथ अगर अपन ब्याह चाहू। हाँ। माघ में सिंदूर दान चाहू। हाँ। तो फुलवारी में आके अकेल मिलू। हाँ। और हम वही आईब वही आईब। हाँ। लेकिन भैया। हाँ। अब देखा यही सोच के पद्मावती सज के। हाँ। सुलह सिंगार कई की जाती हैं। कैसे भाई सिंगार भैया। हाँ। भाई जब उदल अपनी भौजी का देख ले तो जैसे फुलवारी खिली बा वैसे भौजी खिली यहाँ, बहुत खुश भयल। हाँ। और लटका में कहते हैं कैसे भैया। उदल चले लगाए आस। हाँ। अरे आज पूर होए अभिलाष, करबे हम भौजी से बात आज मन माने, करबे हम भौजी से बात आज मन माने,
बड़ा भया के जाए, बोली पद्मावती गुस्साए, कहाँ से आया तू घोड़ा दिया है बाने, कहाँ से गाया तू आए घोड़ा ये है बाने, कहाँ से गाया तू आए घोड़ा ये है बाने, दिल में शंका नागी मान आया तई तो भाग जना ना कालो का नागी डेरा ना की हमान माने, पे अगर बरियाई फौरन कैद कराए भाई, अब ही गर्दन ले कटाई होए कुर्बानी, अब ही गर्दन ले कटाई होए कुर्बानी, अब ही गर्दन ले कटाई होए कुर्बानी, अपन नाम जल्द बतलावा घोड़ा बगिया से लौटावा, ना ही काल ने कचावा होए जीव के हाने, जहान बाटे उदल मेरा नाम तेगा बरदाने, बाटे उदल मेरा नाम तेगा बरदाने, बाटे उदल मेरा नाम तेगा बरदाने, रतिया आए हमें अटारी तोहका गए जगाई के हारी, कौनी ने दिया में सोई रहू महारानी, जो है मर्द का थोड़ा आजमावा थी, पद्मावती कहती है ओ कम से कम इतना तो जान ले कि आल्हा के भाई उदल नहीं एहन, अरे एक मेहरारू का ना जागा सकया, हे भैया मनसेधु का जगावे मसान बा, मेहरारू का जगावे में कठिनाई बा, लेकिन उदल कहता है कि हमार नाम सारी दुनिया में जाहिर बा, लेकिन पद्मावती कहती है बोली पद्मावती मुस्काए, अरे तू ही हो वाला के भाई, हमें ना पाया जगा ले पहचाने, हमें ना पाया जगा ले पहचाने, हमें ना पाया जगा ले पहचाने, यदवा खुल जाते तो हार इज्जत चली जाती हमार, हम कहाँ सा संसार सारी जिंदगानी, घू घुट कढ़बू जैसे झोला रहबू सर माने, अब तो ना है लड़कियाँ तोहका खोजत बाटे, सैया तन की ताकाया पंदहिया करा मेहरबानी, कहता है भौजी इतना बढ़ बढ़ के ना बोला, नहीं लागत है सारी जिंदगी नैहरम ने बिताए देबू तो ससुरे पिया का लेके जाबू, इतनी बतियार जब ताना पाई तो पद्मावती कुछ शर्म खाई गई, जो सर के आंचल बिखरा रहा वो अपने सिर का ढांके लागी, और उदल का कहता है उदल की बतिया, उदल की बतिया पे शरमाई गई पद्मावती, लागी आपन संहारे चुदरिया राम, अरे उदल का है काहे लज्जित भाई भौजी, बाकी बसारी उमरिया आज, कतिया है तालवरिया हमारी, कतिया है तालवरिया, अरे कतिया है तालवरिया, अरे पद्मावती का है सुन लागे उदल, जिन
समझा रंडी पतुरिया राम, समझा रंडी पतुरिया, अरे दिल समझा रंडी पतुरिया राम। अरे बिन ब्याहे भौजी कहत बाट हम का, गड़बड़ बात होरी खोपड़िया कूदल, गड़बड़ बात होरी खोपड़िया ना, अरे गड़बड़ बात होरी खोपड़िया ना। अरे कूदल कहे तोहका भौजी कहबे हमरे भैया के बनबू मेहरिया राम, भैया के बनबू मेहरिया ना, अरे भैया के बनबू मेहरिया ना। अरे करबे बियाहवा हम लाखन के सतवा, जाते यही कई के करिया राम, जाते यही कई के करिया ना, अरे जाते यही कई के करिया ना। भैया हो उदल किया मीठी मीठी बात सुन के पद्मावती पिघल के पानी हो गई, मोम हो गई। बाबा पद्मावती कहीं उदल हाँ। आज ऐसे बात सुनाया हमारा आत्मा खुश हो गई। लेकिन बरात लेके आया है तो कहीं कष्ट पड़े तो भाग के जाया जिन हाँ। पीठ दिखाई के जाया जिन बाबा। कहीं तोहार गाड़ी फंसे तो पद्मावती भौजी तोहार पार करी है दलदल से गाड़ी हाँ। लेकिन याद ना भूला हाँ। और अब उदल अपनी महल का जाता है हाँ। पद्मावती अपनी महल का जाती है और उदल अपने जनवास का जाता है। कहती है भैया कौनो जरूरत पड़े जो हमार तो चला आया बन के अनरिया राम। ए भैया अरे कौनो काम पड़े उदल तब आया बन के आना, कौनो काम पड़े उदल तब आया बन के। रानी चली महल के अंदर किए उदय सिंह तैया, बैठे घोड़ा पे उदल जनवास में पहुँचे बल। हाल बतावे मलखाना से कैला भैया तैया, उदल की चिट्ठी गिरी है आगे, जब से भौजी से मिल के आए हाँ। से ना हाँ। पानी पी जात बा हाँ। और ना खाना खाई जात बा हाँ। भौजी के सूरत केवल नजर पे नाचत बा हाँ। कि भौजी के माग में सिंदूर दान कितनी जल्दी करवाई के हाँ। और भैया के साथ इनके भावर घुमाई के दुल्हन बनाई के ले चली हाँ। ताकि हाँ, पूरी रसिया जल्दी खाए भाई। एक शौक नायना सबसे ज्यादा शौकी बा कि मौसी तिलका से करार कह के आए बाटन कि जल्दी से जल्दी दुल्हिन हाँ लेके आऊ आए। लेकिन भैया हाँ। उदल देखे भौजी की याद में फिर जाता है हाँ। और अपन असली रूप छिपाई के वाह एक साधु नकली बन के जाते हैं। जात कैसे है कैसे भी अपने असली रूप छिपा के, आपने असली रूप छिपा के उदल चली भय तिलक लगा के, तेगा कमर बीच लटका के गावत गीत रिझावन चले मढ़ी के वा, अरे चले मढ़ी के वार उदय सिंह भेष जोगिया बाना, चले मढ़ी के वार उदय सिंह भेष जोगिया बाना। आहे विचार आज महलों में मिलबे भौजी से, कैद करौबे काम साह का हाथ हथकड़ी पहनाए, लाखन भैया पद्मावती के लेबे भावर गावत भजन उदय चंद्र चली भय हाथे खजड़ी बाजा। अरे आई गईले पियावा तोहार सुना सजनी, आई गईले पियावा तोहार सुना सजनी, आई गई ले पियावा तोहार सोना सजनी, आई गई ले पिया।
बिया तुहार सुना बा भैया आई गसुदी नवा गवा नवा कतो रे आई गसुदी नवा गवा नवा कतो रे लेके आया डोलिया कहार सुना सजनी आई गईले पियावा तोहार सुना सजनी आई गईले पियावा तोहार सुना सजनी बा भैया आई गईले पियावा तोहार सुना सजनी कहता है भैया बाली उमर नई हाड़वा में खोयू बाली उमर नई हाड़वा में खोयू बाली उमर नई हाड़वा मिले ना जवानिया उधार सुना सजनी आई गईल पियावा तोहार सुना उदल बड़ा चतुर रहनो अपने दिल में सोचा तहन जौन कहा वो का दूसर क्यों जाने ना भौजी के काने में पड़ जाए तो समझ जाइए कि कैसन भजन के काव कहता है कहता है कनऊ ज पाती वह मऊर सिर पे बांधे कनऊ ज पाती वह मऊर सिर पे बांधे ज पाती वह मऊर सिर पे बांधे लखनी बना है लाखनी बना दूल्हा तोहार सुना सजनी आई गई है पियावा तोहार सुना सजनी आई गई है पियावा तोहार सुना सजनी आई गई है पियावा तोहार सुना सजनी प्यारे साथियों भौजी तो ना उदल के लेकिन उदल के मामा ओरई के राजा माहिल उनके नजर उदल पे पड़ गए कहे नी तो बड़का साधु एहन भजन गावत है अच्छा ठीक है वो बोले ना कल्ले से वहाँ से खसक के देखा जात कहाँ है कहाँ भैया और उदल तो भौजी के इंतजार में बाटे लेकिन देखे लटका में कैसे भैया गावत भजन करत किलकार गावत भजन करत किलकार अरे बूदल चले मढ़ी के वार माहिल मामा तब विचार भाई ठाई ना माहिल मामा तब विचार भाई ठाई ना माहिल मामा तब विचार भाई ठाई पहुंचा काम साह के पास आगे खड़ा भय उदास उल्टी चले लागे सांस मुंह गिराई चले सांस गिराई उल्टी चले सांस मुंह हवा गिराई बोला काम साहर साए माहिल मामा बैठाया है काहे का गाई सुखाए सब ललाई काहे का गाई सुखाए सब ललाई माहिल कहत का बताई हमारे कह सरमिया आई महाराज देखे जिया रा डराई ना देखे जिया रा डराई लाखनी आए साज बरात तो से जोड़ी बदनाथ करी है साथोवा में घात वह मिलाई करी है साथोवा में घात वह मिलाई ना करी है साथोवा में घात वह मिलाई ना उदल जोगी भेष बनाए गाए मारी आपे आए भजन गाए गाए जिया रालू भाई भजन गाए गाए जिया रालू भाई और सुनते काम सा सरदार
फटकार जिनी बोला अब कुफार जा पराई मारव कई के आए लान जौनी साइड माए दान कर जाई जौनी साइड माए दान कर जाई ना जौनी साइड माए दान कर जाई ना जादूगरनी का बुलवाए बोला काम साह समझाए मारा दुश्मन का फसाए बल लगाई जादूगरनी हाँ। मशहूर जादूगरनी सखी मोहनी रही हाँ। आज राजा काम साह वही का बुलवाई के हाँ। और देखे सब समझावता है कि दुश्मन पंजे से जाल पावे जाय कहना चाहिए हाँ। और अपने जादू के जोर से घसीट के लावा हाँ। लेकिन भैया हाँ। सखी मोहनी भय तैयार अरे लई के जादू के पेटार चली मढ़िया के वार हर साई चली मढ़िया के वार हर साई चली मढ़िया के वार हर साई कूदल दूरे पड़े दिखाए बोली एक सखी मुस्काए बाबा भजन जा सुनाए मन लुभाई बाबा भजन जा सुनाए मन लुभाई बाबा भजन जा सुनाए मन लुभाई हमारे साथ चला तत्काल अरे बाबा इतनी सुंदर भजन ये मंदिरवा पे जोन गावते है ऐसन भजन जो महलिया में चल के गई बा तो पद्मावती महारानी मालो माल कह दी है और हमारे साथ चला उदल तो सुन के खुश हो गए कि वो नहीं से मिले तो हम चाहते ही बाटी लेकिन केहू से कह ना सकते ही अपने दिल में सोचा था है कि भौजी हमें याद करती है सखी मोहनी जादूगर ने कहत बा हमारी साथ चला तत्काल अरे रानी सुन के होए निहाल हे तो का करी है खुशहाल मुरी राई तो का करी है खुशहाल मुरी राई ना तो का करी है खुशहाल मुरी राई ना उदल मन में करे विचार जानो भौजी हमार होए महलों में दीदार भूलवाई उदल के ही विचार करता है लेकिन देखा जो उन विचार के हैं जो उन सोचे नुकाम होता ना उदल समझ ही ना पाए हाल अरे पहुंचे महलों में तत्काल देखते काम साहब लाल फरमाई अरे काम साह के नैन लाल भा हुकुम दिया फरमाई ना काम साह के नैन लाल भा हुकुम दिया फरमाई ना यह बह रुपया के हाथे हाथ कड़ी दियो पहनाई ना हाय सना का गए उदल अब कवन करे मलसाई ना खजड़ी गिर गए हाथे से अब गवा ओठ कुम्हलाई ना हाथ हाथ कड़ी उदल के अब बेरिया देह डराई ना आई देह सुभक्सी के अंदर ऊपर बंद कैद होई गवा बाघा उदल कुछ ना पड़े सुझाई गावत भजन रिझावन चले मढ़ी के वा भैया उदल सात तावा के अंदर जड़ उठन हाथ में हथकड़ी पांव में बेड़िया पड़ी बा बाबा। और भक्सी के अंदर रोवत है कि केहू का पता ना हमारी जनवास में हम यहाँ अकेल ऐसन बंदी में पड़ गए कि भगवान
अब का करी केवल भगवान की राह दिखा दिया और देखे कहता है भैया उदल भग सीखे दरिमान उदल भग सीखे दरिमान रोमे काउ करी भगवान अब तो ना ही बचेगा जान सान महोबा के विधाता दिया तो हाँ भैया तो देखें हम और बहली के पारसनाथ यादव एक साथ में गाते हैं और एक ही गुरु का चेला है हम दोनों जन का विचार है कि हाफ हाफ विरह करके पूरा कर देंगे अब यहाँ तक हम गाए हैं इसके